मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग एवं राजऋषि भर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के निर्देशानुसार एनएसएस प्रभारी अभिनव शर्मा के नेतृत्व में खेल महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर भाग लिया। छात्राओं के द्वारा लंबी कूद, खो खो, रस्सी कूद और बैडमिंटन जैसे खेलों में शिरकत की गई। इस अवसर पर छात्राओं को संबोधित करते हुए वरिष्ठ एनएसएस प्रभारी सोनाली शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भागीदारी करके अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकता है। खेल प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने, शारीरिक समन्वय बनाए रखने, शरीर की ताकत को बढ़ाने और मानसिक शक्ति को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इस अवसर पर कोमल यादव, अंजू कश्यप, मधुबाला मेघवाल, प्रीता यादव, मनीषा यादव, पायल शर्मा, ज्योति मेघवाल, अंशु रेवाड़िया, जमिनी चौधरी, रवीना एवं कॉलेज सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, सहायक प्रोफेसर देवेंद्र यादव एवं सीमा जांगीर सहित अनेक वक्ताओं के द्वारा छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर डी आर शर्मा के द्वारा सभी प्रतिभागी छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की गयी। डॉक्टर डी आर शर्मा हमारे इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में राज्य सरकार के द्वारा एनएसएस की मिल गई। एनएसएस के माध्यम से कल लड़कियों खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया है, जिसमें छात्राओं ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मेरा ये स्पष्ट मानना रहा है शुरू से ही कि राज्य क्षेत्र की लड़कियों में और हमारे समाज की लड़कियों में प्रतिभा और क्षमताओं की कोई कमी नहीं है, बशर्ते इनको एक सही मार्गदर्शन, एक सही दिशा निर्देशन उपलब्ध कराया जाए तो यहाँ की लड़कियाँ प्रत्येक मुकाम और प्रत्येक मंजिल को प्राप्त कर सकती हैं।